हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 सामाजिक विषय अर्थशास्त्र में आपको निर्धनता एक चुनौती लेसन के बारे में आगे बताएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरीके से सरकार निर्धनता को दूर करने के उपाय करती रहती है, क्योंकि एकदम से निर्धनता को दूर करना ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाते हैं कि धीरे धीरे निर्धनता को दूर किया जा सके या उसको कम किया जा सके। इसीलिए सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शहरी क्षेत्रों में अलग अलग योजनाएं चलाती है, और हमने ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः चलने वाली योजनाओं को भी आपको बताया था। तो इन सब योजनाओं का उद्देश्य ये हो रहा है कि किसी तरीके से धीरे धीरे निर्धनता में कमी लाई जा सके, लेकिन आज भी निर्धनता एक चुनौती के रूप में बनी हुई है। तो चुनौतियाँ ये क्या हैं कि जो आय का असमान वितरण है उसको किसी तरीके से समान किया जा सके, यानी कि अगर आय जिनके पास बहुत ज़्यादा है उनसे किसी तरीके से ले करके और ऐसे कार्यों में लगाया जाए जिससे कि जो जिनके पास आय नहीं है या निर्धन है उनको वो आय मिल सके। इसके साथ ही साथ जो सामाजिक पिछड़ा वर्ग है उसको आगे लाने की कोशिश की जाती है, इस तरीके की योजनाएं बनाई जाती हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही साथ जो मुख्य चुनौती है कि हर व्यक्ति को शिक्षित किया जाए, इसीलिए सरकार प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देती है, माध्यमिक शिक्षा में भी अपनी तरफ से कुछ कमियां करती है इनके शुल्क में, ताकि हर व्यक्ति शिक्षित हो, और जितना व्यक्ति शिक्षित होगा उतना ही उनके आय की प्राप्ति बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, और ये पूरा देश का सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो इस तरीके से लोगों की आय में वृद्धि करना और किसी तरीके से हर वर्ग तक ये विकास के कार्यों को पहुंचाना, ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है। इसके साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं और शहरी क्षेत्र हैं उनमें सभी लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, रहने के आवास की सुविधाएं मिले, इस उद्देश्य से भी सरकार अपनी तरफ से योजनाएं बनाती रहती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आप देखते हैं कि इस तरीके की बहुत सी योजनाएं चलती हैं, जैसे कोई रोज़गार को लेकर के, कुछ शिक्षा को लेकर के स्कॉलरशिप्स दी जाती है, ताकि लोगों को इन चीज़ों में प्रमोशन दिया जा सके और लोग इसकी ओर आकर्षित हों और अपने को आय में बढ़ोतरी करें। जिनके पास रोज़गार नहीं है वो रोज़गार को पाने की कोशिश करें और उनको मिल भी सके, तो इसके लिए हमेशा सरकार सचेत रहती है और ये सरकार के सामने हमेशा से एक चुनौती बनी हुई है। तो ये टॉपिक आपका आज यहीं पे ख़त्म होता है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।